Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. जनाब आपको एक धुंधली सी सुबह जो है उसमें हम खुश आमदीद कहने आ चुके हैं. धुंध बहुत ज़्यादा है आज, फॉग की कैफियत मुझे आके लग रहा था. जब मैं निकली तो मैंने कहा मैं कुछ घंटे के मार्जिन से तो ऑफिस पहुँचने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज सुबह के टाइम धुंध थी. अब की सूरत हाल मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, हमारी रिपोर्टर को बताएंगी, लेकिन उसके बावजूद फॉग में मैंने ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन देखी है. मैंने सोचा था कि आज मैं शो पे इसको डिस्कस भी करूंगी कि लोग फिर भी बहुत स्पीड में गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, मतलब धुंध में आपको नज़र नहीं आ रहा है. इवन मैंने पहले पिछले साल की मेरी बात है, मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया कि वो एक मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से जा रहा था, वो फुटपाथ के ऊपर टकराया और वो उलट गया. और इतनी सुबह धुंध में ना किसी को पता लगता है ना कुछ, इस तरह के मामला होते हैं. तो बराहे मेहरबानी आप अपनी जो जान है उसकी हिफाजत खुद क्या करें, इतनी सख्त धुंध में अपनी ड्राइविंग जो स्किल्स हैं उसको मत आजमाएं, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक मामला होता है. विजिबिलिटी बहुत ज़ीरो होती है, उसमें आपको आगे गाड़ी पीछे तेज़ आ रही है, कोई मोटरसाइकिल तेज़ आ रही है, आपको अंदाज़ा नहीं होता. तो अपनी लेन में और साथ में उसके साथ साथ अपने जो इंडिकेटर्स हैं उनको ऑन रखा करें और कोशिश क्या करें कि अपनी स्पीड बहुत स्लो रखें, ताकि आपके साथ जो लोग रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो आपकी वजह से, और आपको भी ना, और आपकी जान भी महफूज रहे. अच्छा जनाब, ये तो हमने थोड़ी सी मैंने एक अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर ली, लेकिन उसके साथ साथ हम आपके साथ एज यूजुअल रिसर्च शेयर करने वाले. और चूंकि मैंने पिछले दिनों कुछ आपसे पेट्स के हवाले से हुई डिस्कशन की और एक वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जनाब पेट्स का ख्याल रखना और दुनिया भर में जो एनिमल्स एसोसिएशंस होती हैं या जो ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जानवरों के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि जानवरों के हवाले से कोई भी जो एक नेगेटिविटी या कुछ इस तरह की चीज़ें ना फैलें. इसी तरह जनाब अमेरिका में एक कुत्ता है जिसकी पैदाइशी तौर पे जिसको कोई जीन जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उसकी अगली दो टांगें जो हैं वो सही तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हुई. अच्छा जनाब, ये आम कुत्तों की तरह दौड़ने और भागने की कोशिश करता था, लेकिन इसकी अगली दो टांगें नहीं थी जिससे वो महरूम था. लिहाजा कुछ अरसे के लिए इसे एक वेटरन टेक्नीशियन ने गोद ले लिया और उसने उसके बाद कुत्ते के लिए खसूसी पहिए बनाए हैं जनाब, और वो इन पहियों का साइज भी तब्दील हो सकता है, और इन पहियों की मदद से ये कुत्ता जो है आसानी से दौड़ भी सकता है, चल भी सकता है, और अपनी पूरी एक्टिविटीज जो है वो सरंजाम दे सकता है. और शुरू में डेफिनेटली प्रॉब्लम आई थी, और ये बाद में उसको इस बात की प्रैक्टिस कराई गई, और इन कुत्तों का जो ये पहियों से चलने का प्रोसीजर है, अब देखें उसके जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई उनके साइज भी उसके जो व्हील्स हैं उसके चेंज हुए हैं, और ये अब कुत्ता जो है जनाब अपने इन पहियों की मदद से हर जगह घूमता फिरता है मजे से. और ये वाकई कह लें हमदर्दी भी होती है कुछ इनका, इन अमेरिकन्स का, क्या ओवरऑल लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, और उनके हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी जो हमें चीज़ें देखने में आती रहती हैं कि वो पेट्स को कितनी ज़्यादा. मैं आपको वही आपसे शेयर भी किया था कि अगर आप उनके पेट को कुछ कह देंगे तो वो लिटरली माइंड करेंगे कि जैसे उनके घर के किसी फर्द को आपने बुरा कहा है या उससे आपने थोड़ी उलझन का इजहार किया. अच्छा जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से एक माजूर कुत्ते को दौड़ने के लिए पहिए जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए. अगली रिसर्च भी हम आपसे शेयर करेंगे. कुछ अर्से पहले मैंने आपके साथ एक खुराक को महफूज करने वाला स्टिकर के हवाले से कुछ डिस्कशन की थी, अब मैं आपको इस पेपर के हवाले से या इस कागज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप जो खुराक है उसको उसमें उसको सेव कर सकते हैं कई ज़्यादा दिनों के लिए, और उसकी जो फ्लेवर है सर, अक्सर तो हम लोग फ्रिज में उसको रख देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जनाब 2 से 3 दिन फल या फ्रूट्स जो हैं फ्रिज में पड़े रहें और आपको इतनी उसका जो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम जो वो उसका जो टेस्ट होता है टाइम के साथ साथ वो ख़राब हो जाता है. लेकिन जनाब एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जो है तैयार कर लिया गया जिससे आप फलों और सब्जियों को 4 गुना ज़्यादा वक्त के लिए महफूज रख सकते हैं, और इस कागज़ की तैयारी में नामियाती मसाला जात का इस्तेमाल किया गया है जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, और ये शायद खुरनोश की भी जो ख़राब होने से जो उनका सबब बनते हैं जो बैक्टीरिया उनको भी कंट्रोल करने में. अच्छा जनाब, इस कागज़ को तैयार किए जाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, और वो कुछ इस तरह से कि इसे बनाने वाली एक भारतीय खातून है जिनका नाम है कविता है. इन्होंने पहली बार ये कागज़ 12 बरस की उम्र में बनाया था. एक बार जब उन्होंने एक आलूदा पानी का ग्लास पी लिया तो उनकी दादी ने उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए मसालों से बनी हुई एक चाय पिलाई थी. इसके बाद कविता ने मसालों पर मुख्तलिफ तजर्बात शुरू किए जिससे उनको अफाका हुआ,
और उस पर रिसर्च की कि इससे क्या क्या जो काम है सर अंजाम दिए जा सकते हैं। और आज इन मसालों से तैयार करदा कागज 35 ममालिक में जनाब फरोख्त किया जाता है। ये कागज गजा को खराब होने से बचाकर गजा को जाया होने से भी महफूज रखता है। और गजा के खराब होने की वजह से दुनिया की निस्त जो जरात है हर साल कूड़े में फेंक दी जाती है, ये भी रिसर्च कहती है। तो ये पेपर जो है इसको आप सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जो करते हैं और डेफिनेटली 2-3 दिन बाद तो ख़त्म हो जाते हैं, उनमें टेस्ट भी चेंज हो जाता है या उनका गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको पेपर में रैप करके रखेंगे तो इनकी जो लाइफ है थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। अजीज़ नाब, ये भी थी आपकी एक हमने जो रिसर्च जो खुराक को कंज्यूम करने से या प्रिजर्व करने के हवाले से हमने आपको बताई। अब जनाब मैं आपको दो बिल्लियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, एक दो बिल्लियाँ तो मैंने आपसे पहले शेयर की थी जिनकी एक आंख का कलर ग्रे था और एक का ब्लू था। अब जो बिल्लियाँ हैं जनाब, क्या आप रहते होंगे एक अमीर जो है आप कह लें एक महंगे तरीन किराए के अपार्टमेंट, कहाँ ये दो बिल्लियाँ रहती हैं। अच्छा जनाब, सिलिकॉन वैली तो आपको पता है कि अमेरिका में जो उसकी जो रियासत है कैलिफोर्निया, उसके शहर जो सैन फ्रांसिस्को की बात की जाए तो उनका एक बड़ा पोश इलाका है। वहाँ पर ये दो बिल्लियाँ जो हैं रिहाइश पजीर हैं और जहाँ पर उनका मालिक जो है महाना तकरीबन 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए अदा करता है इनकी रिहाइश के लिए। और ये किराए पर रहती हैं जनाब। इस शख्स ने अपने इन पेट्स को पुरसकून रिहाइश का तोहफा दिया है और ये बिल्लियाँ सिलिकॉन वैली में महंगे तरीन किराएदार जानवर से पहचानी जाती हैं। और इन खसूसी मकीनों का आशियाना भी नहायत खसूसी है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उन्हें काफ़ी सहूलियात दी गई हैं टीवी से लेकर फर्नीचर तक। और इनके जो निगरान हैं रोज़ाना इनकी देखभाल भी करते हैं और इनके इंतजामात का जायज़ा भी लेते हैं। अच्छा जनाब, सोशल मीडिया वेबसाइट के इस घर में रहने वाली बिल्लियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाए गए हैं और इन अकाउंट्स पर बिल्लियों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपलोड भी किया जाता है और जिन्हें अच्छी खासी लाइक्स भी मिलती हैं। तो जनाब ये रहती हैं सिलिकॉन वैली में दो बिल्लियाँ जो आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे आप घर रेंट पे लेकर रह लें वहाँ ये बिल्लियाँ रह लें। मतलब सोचें, ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि ये बिल्लियों का जो घर है वो कितना महंगा है। अच्छा जनाब, ये भी थी रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर की। और ये दुनिया भर में कुछ अनोखी चीज़ें भी होती हैं और जानवरों से प्यार करना चाहिए नो डाउट, लेकिन ये प्यार का एक अनोखा अंदाज था जो वैसे अच्छा अंदाज भी एक तरह से। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप देखते रहिए जागो लाहौर।